वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मैं जानता हूँ भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से मुलाकात हो रहा है भाई। क्योंकि भाई अभी मतलब वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम का इश्यूज चल रहा है, क्योंकि भाई कुछ कंटेंट होगा तभी तो भाई वीडियो छोड़ूंगा ना, कोई एरा गैरा तो कुछ नहीं करूंगा। तो भाई बस थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ठीक है आज का वीडियो को लेकर बात करता है। तो भाई आज मैं अपना एक पार्ट्स जो मैंने ऑर्डर किया था थ्रू एलआरएल मोटर्स, तो उसको मैं अनबॉक्सिंग करने जाऊंगा, क्योंकि मतलब वो पार्ट्स बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है बाइक के लिए, जो कि है ब्रेक पैड्स। क्योंकि मेरे ब्रेक पैड्स पूरे घिस गए हैं भाई, लगभग 14,700 किलोमीटर लगभग मेरा गाड़ी चल चुका है, तो भाई तब से लेकर अभी तक चेंज नहीं हुआ था। तो भाई अभी चेंज करने का पूरा टाइम आ गया है, तो मैंने उसको ऑर्डर किया था। एंड मैंने कुछ डिकेल्स का भी काम करवाया है बाइक में, जो कि मैं ऑब्वियसली इंक्लूड करने वाला हूँ। एंड लास्टली जो पार्ट रहेगा वो होगा थोड़ा क्लीनिंग को लेकर, बिकॉज जो मेरा विंड पाइप है, जो कि साइलेंसर पाइप है बेसिकली, तो उसमें थोड़ा रस्टिंग आ गया था, बिकॉज भाई 3.5 साल के ज़्यादा हो गया। तो मैंने उस पार्ट को मैंने कभी मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो भाई आज उसको भी क्लीन करना है। तो बस ये सब लेके भाई आज का ये वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो चलो वेस्ट ना करते हुए टाइम जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। द प्रोडक्ट द वेसरा ब्रेक पैड फॉर माई NS 200, देख ही सकते हो इसका मुझे पड़ा लगभग 1280 रुपये। ठीक है, 1300 लिस्टिंग है आप जैसे कि देख पा रहे हो, लेकिन 1280 में मिला मुझे। ये तो बाइक में लगाना ही है, बिकॉज ब्रेक पैड्स खामने का ख़त्म हो गया, तो ये एक प्रोडक्ट है। हे गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोगों का जो है पाइप निकलता है इंजन से, तो उसको हम लोग क्लीन करने वाले हैं, बिकॉज उसमें भाई बहुत रस जम गया है भाई। क्योंकि अभी तक लगभग 3.5 साल में मैंने कभी उसको क्लीन नहीं किया, तो आज हम लोग उसको क्लीन करने वाले हैं WD-40 के साथ। एंड अभी मैं उसका कंडीशन आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है और कैसा हो जाएगा बाद में। तो देखो गाइस, चेक करो गाइस, यहाँ से भाई लगभग देख ही सकते हो, एकदम जूम करके भी मैं दिखाता हूँ, तो इस जगह पे से शुरू होता है एंड फिर यहाँ पे, फिर इस तरफ एंड फिर नीचे के साइड में भी। तो अभी हम लोग इसको करते हैं क्लीन। ये रहा हम लोगों का WD-40 का छोटा पैक, जो कि लगभग 65 रुपीज़ का है, तो इसके साथ फिर क्लीन करने वाले हैं, तो बने रहो गाइस वीडियो में।
चलो करते हैं स्प्रे गाइस अच्छे से एकदम। एग्जॉस्ट अभी थोड़ा गर्म है। अभी एक ऐसा कपड़ा लेके गए जिसको पूछना पड़ेगा। तो गाइस मैंने इसका चेन भी क्लीन करने का सोच लिया, तो अभी चेन को जस्ट मैंने देख ही सकता हूँ वहाँ पे केरोसिन है, उसको अभी जस्ट देख ही रखा है कुछ देर के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पाइप भी क्लीन किया तो सोचा कि चेन भी क्लीन ही कर लेता है एक बार ही में। हाथ तो ऐसा ही मैला हो गया है भाई, तो बस इसको क्लीन करके फिर देखते हैं कि अभी एंड पाइप तो कैसा है। चेन तो ओके था बट ठीक है, फिर भी क्लीन कर लिया। बस अभी इसको धोने का तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि बाकी तो सब कुछ डन है ही। अब धो के देखते हैं। तो गाइस क्लीनिंग प्रोसेस तो सब डन है, अब जस्ट मैंने इसको अच्छे से पोंछ भी लिया होने के बाद, एंड करेंटली आई एम यूजिंग द 66 VHP चेन लूप। तो जल्दी से इसको लूप करते हैं एंड फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं, एंड अटैचमेंट्स भी बहुत करने हैं तो जल्दी से कर लेते हैं। आफ्टर अ हसल ऑफ लाइक 2 hours, ओके आई एम फाइनली डन। अभी भाई सब काम हो चुका है एंड ये रहा बाइक मेरे पीछे, एंड दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आया है। ओके तो लुक एट दिस गाइस, जो फर्स्ट चीज़ दिखाऊंगा वो है ये, यहाँ पे थोड़ा पानी गिर रहा है गाइस रेडिएटर से, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ रिजल्ट आया है, बट जो मतलब घर पे हो पाया मैं वही किया, प्रोफेशनल तो नहीं हूँ बट जितना हो पाया ट्राई किया। ऊपर का मैंने वो हटा नहीं पाया जो रस्ट का जो वहाँ पे दाग है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है इस जगह पे, एंड नीचे भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है, बस देख ही सकते हो। एंड चेन लुक भी डन गाइस एकदम परफेक्टली। बाइक भी भाई टोटली क्लीन देख सकते हो। दो घंटे गए भाई इसमें। जो हेसरा का ब्रेक पैड्स है मैंने सिर्फ फ्रंट के लिए ऑर्डर किया था, जो कि मतलब फिट कर दिया हूँ ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे
इसमें और इसमें दो ठो सीट था, एंड रेयर का मैंने नहीं लिया, सिर्फ फ्रंट का ही लिया था मैंने। कुछ डिकल्स के भी काम करवाया है मैंने, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक देन ये तो था ही यहाँ पे त्रिशूल, देन सेकेंडली ये वाला जो वाइट स्ट्राइप है सिर्फ यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है, बट ब्लैक जो है वो लगभग यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, सेम दूसरे साइड पे भी एकदम। नेक्स्ट जो काम हुआ है वो हुआ है यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे भी, ओके वहाँ पे भी, और इसके नीचे वाले सेक्शन के यहाँ पे। और तो भाई कुछ नया कुछ नहीं है, बस यही कुछ था, और बस आज क्लीन हो गया। बहुत दिन से मतलब पेंडिंग चल रहा था, फाइनली एवरीथिंग इज़ डन। चलो आप लोगों को एक बार ऑन करके साउंड सुना देते हैं। मेरा अभी तक चल गया है लगभग 14,724 किलोमीटर। सो जस्ट कर दिया था वो है ये वाले लाइंस, ओके वाइट डिकल्स में बस। अरे करे क्या, एक लाइट को भी ऑन करता है थोड़ा। अब वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। अभी मतलब स्नान भी करना है और रेस्ट भी लेना है भाई, फुल्ली एग्जॉस्टेड हो गया हूँ मैं। एंड बताना कि कैसा क्या लगा, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस वीडियो में, बट जितना हुआ मैंने कवर अप किया, जैसे कि ब्रेक पैड्स, फिर मेरा डिकल्स का नया काम, एंड जो कि था पाइप को क्लीन करना, एंड उसी मौके पर मैंने चेन को भी लूप कर लिया। तो बस यही था। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बट अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक और वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप सेफ, बाय बाय।